सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। और गाइज आप लोग देख सकते हैं भाई, आज मेरे साथ है होंडा शाइन 100। और आज की उस वीडियो में मैं जो है आपको इसका प्रॉपर एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। अब इसको राइड करेंगे, राइड करने से पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको जल्दी से। और सबसे पहले अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो देखिए, टोटल इसमें जो है एक ही वेरियंट आता है जो करीब आपको अगर जनरली लेते हैं तो करीब 82,000 के आसपास देखने को मिलता है ऑन रोड वाराणसी में। 10 साल का वारंटी दे रहा है भाई, और एक साल का जो है इसमें आपको फ्री मेंटेनेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको होंडा की कोई भी बाइक से स्कूटी लेनी है वाराणसी या आसपास से हैं तो देख सकते हैं, आप आ सकते हैं राजेंद्र होंडा। जो शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली इसके आपको सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये है इसका काइंड ऑफ रेड कलर, रेड ग्राफिक्स के साथ, ये देख सकते हैं। ये है ब्लू ग्राफिक्स के साथ भाई, ये है ग्रे, फिर वहाँ पे नियॉन, मतलब जितने भी कलर्स आते हैं सब आपको देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, एकदम ओल्ड स्कूल वाला डिज़ाइन। कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन में छेड़छाड़ नहीं किया है होंडा ने, नॉर्मल वही जैसे शाइन में की आती है कुछ वैसा ही आपको चाबी देखने को मिल जाता है। की लगा के ऑन करते हैं तो फिलहाल फ्रंट से कुछ भी ऑन नहीं होता है। फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिल जाता है, हेलोजन इंडिकेटर्स, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो टायर साइज है वो आपको फ्रंट में 2.75 देखने को मिल जाता है। 17 इंचेस को अलॉय व्हील्स के साथ आती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा दोनों साइड पे। जो मडगार्ड है वो आपको सिंगल पीस में देखने को मिलता है और फाइबर का एकदम। और ये देख सकते हैं एकदम आराम से इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल है। तो अगर लड़ती भी है ना तो भाई टूटने के चांसेस जो है वो एकदम ना के बराबर है। एकदम जीरो जो है कॉस्ट मेंटेनेंस बाइक है। फ्रंट का तो जो मैंने बताया 2.75 का, आपको ट्यूब टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस नहीं है, ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आते हैं तो इस साइड, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। जो टैंक है वो थोड़ा सा बस पतला लगता है भाई। इंजन की बात अभी इसको जब राइड करेंगे तब बात करते हैं। पीछे का टायर साइज दिखाऊं तो पीछे का जो टायर है वो आपको 3.00 जो है टायर साइज देखने को मिल जाता है। ट्यूब टायर्स यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है कंपनी की तरफ से। चेन आपको प्रॉपर कवर देखने को मिलता है। रियर में डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। और मीटर वही सिंपल एनालॉग, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल गेज, न्यूट्रल, इंजन चेक की लाइट और भाई यही सब चीज़, मतलब बेसिक आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको राइड करते हैं भाई। तो गाइस चलिए, राइड करने से पहले एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना दूँ। वही टिपिकल होंडा का जो स्मूथ सा एकदम साउंड, चलिए 168 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिलता है, और करीब 785 या 786 mm की सीट हाइट, तो बहुत लो सीट हाइट है। मेरी हाइट है 5'8", दोनों पैर बहुत आराम से ज़मीन पे आ रहे हैं, चाहूँ तो खड़ा भी हो सकता हूँ, तो कोई शॉर्ट राइडर भी आराम से इसको चला सकता है। 4 स्पीड का गेयरबॉक्स है, चारों गियर जो पीछे लगते हैं। मिरर्स थोड़े से सेट कर लेते हैं भाई। हाँ चलिए इसको तो इधर ही ले चलते हैं। भाई चलाते ही मतलब समझ में आ जाता है ना, अगर आपको मैं आग पे पट्टी बांध के भी अगर ये बाइक दे दूँ ना, अगर 2-4 बाइक्स दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा चलाते कि ये होंडा की बाइक से भाई एकदम स्मूथ रिफाइंड इंजन है भाई। और जो पिकअप है, जो पावर है, वो भाई क्या ही बोला जाए। तो इसमें आपको 98.9 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का एयर कूल्ड 4-speed गियरबॉक्स और BA6 Phase 2 इंजन मिलता है, जो मैक्स पावर भाई अराउंड 7.3 PS की जनरेट करता है 7500 RPM पे। 8 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है करीब 5000 RPM पे। तो जो टॉर्क है वो काफ़ी जल्दी किक इन करता है। अभी देख सकते हैं मैं 4th gear पे हूँ और करीब मैं आपको अभी देखिए और कम स्पीड पे आ जाता हूँ। तो देखिए मैं करीब आ गया हूँ 20-25 के स्पीड के आसपास, और यहाँ से थ्रॉटल लेके देखते हैं। तो देखिए भाई बिना नॉक किए, ये होंडा के इंजन का यही खासियत है भाई, आप किसी भी गियर पे रहिए, कम स्पीड पे भी रहते हैं ना, तो आराम से बिना नॉक किए एकदम इंजन पिकअप ले। अरे भाई अभी मैं थोड़ा गांव साइड में हूँ ना, तो भाई एक
कीड़ा आके मेरे आँखों पे लड़ा एकदम ज़बरदस्त, खैर बच गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो इंजन रहता है ना, इंजन की ट्यूनिंग वो होंडा की तो ज़बरदस्त रहता है, ऐसा कोई ब्रांड का इंजन रहता ही नहीं है भाई। तो एकदम स्मूथ पिकअप ले लेता है, 100 cc की बाइक है, लगेगा नहीं जल्दी आपकी 100 cc चला रहे हैं, क्लोज टू मतलब आपको 125 cc वाली वाइब देगा ये। और बस हाँ, ये एक देखिए कमी लगती है ना, दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जो इसका कर्वेट है ना वो बहुत कम है। देखें तो वो अच्छा भी है कुछ लोगों के लिए, वो एडवांटेज भी है, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि मतलब एकदम लाइट वेट मशीन है, 99 kg का कर्वेट है, तो आराम से आप इसको दिन रात सिटी में इसको राइड करना ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अगर हाईवे पे लेके जाते हैं ना, थोड़ा लॉन्ग राइड करते हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ी सी ये अगर कोई हैवी व्हीकल आपके बगल से थोड़ा तेज में पास करता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी लहराती है। तो ये थोड़ी सी जो मैं इसको बताया ना कर्वेट को लेके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो देखने को मिलता है। जो टैंक है वो 9 लीटर्स का आपको देखने को मिल जाता है। जो टैंक का डिज़ाइन है ना थोड़ा सा मात ये यहाँ से भी खा जाती है। बाइक देखिए इंजन वाइज देखा जाए तो नो डाउट बहुत एक तगड़ा है, लेकिन जो डिज़ाइन है ना थोड़ा सा इसको होंडा अच्छा कर सकती थी, थोड़ा सा इसको और बल्की बनाती ना टैंक को, तो वो और ज़्यादा फिर देखने में अच्छा लगता, थोड़ा सा मस्कुलर हल्का सा भी बनाती ना, क्योंकि जो स्प्लेंडर का भी डिज़ाइन है, TVS स्पोर्ट का भी ना, आप बैठते ना थोड़ा सा कुछ आपको फील आता है। इसका क्या भाई, एकदम जैसे साइकिल की तरह कर दिया है, एकदम स्ट्रेट, मतलब जो सीट की चौड़ाई है ना भाई, लगभग वो एकदम स्ट्रेट आ जाता है टैंक के थ्रू। तो वो चीज़ थोड़ी सी जो है अजीब लगती है। फिलहाल अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो बाकी सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है। जो हैंडलिंग है मोटरसाइकिल की वो काफ़ी अच्छी है, आराम से इसको आप राइड कर सकते हैं, सिटी में ट्रैफिक में मनूवर कर सकते हैं। जो इसका राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको एक रिलैक्स्ड देखने को मिलता है। जो हैंडल बार से वो थोड़े से अपराइट है और वाइड स्टांस है, और जो फुटपैक का पोजिशन है वो भी एकदम मतलब न्यूट्रल साइड पर, तो आराम से इसको राइड करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए भाई क्या पावर है, क्या स्मूथ पावर आपको देखने को मिलती है, टर्न्स में भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देती है भाई। मतलब मैं लिख के आपको बोलिए तो मैं आप कहीं लिख के दे दूं कि 100 cc सेगमेंट में इससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। अगर मैं इसको थोड़ा सा भगा के भी चेक करूँ ना भाई, फर्स्ट गियर पर वो खींचता हूँ भाई, तब भी मतलब बहुत बहुत माइनर सा वाइब्रेशन आ रहा है, वो भी एकदम एंड में चल के, बहुत माइनर सा। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग रिस्पांस देखिए काफ़ी सही है भाई, रियर ब्रेक्स तो काफ़ी तगड़ा काम कर रहा है। अगर मैं फ्रंट ब्रेक्स, फ्रंट में हालांकि कोई डिस्क नहीं है, लेकिन फ्रंट का भी देखिए भाई, फ्रंट से ज़्यादा बेटर मुझे ना रियर लग रहा है। और अगर मैं साइड में देखूँ ना तो हाँ, कॉम्बी ब्रेक्स के साथ आती है, इसीलिए जो है अगर मैं रियर ब्रेक्स प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए काफ़ी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है भाई। जो रियर व्यू मिरर्स है वो काफ़ी अच्छा आपको व्यू प्रोवाइड कर देते हैं। माइलेज की बात करते हैं भाई, माइलेज आराम से आपको 60-65 प्लस तो दे ही देगी आराम से, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। और बहुत एक फन टू राइड, एकदम इजी टू राइड, इतनी लाइट वेट मशीन है ना, आप इसको मनूवर करिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब इसको मोड़ लेते हैं, बहुत आगे नहीं जाएंगे। जो गियर बॉक्स है, अगर आप मतलब वो एक प्रॉपर जब शिफ्ट करते हैं तो क्लिक की साउंड आती है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ गियर चेंज हो चुका है और गियर बॉक्स स्मूथ है। मैं मल्टीपल देखिए अब शिफ्ट कर रहा हूँ, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि गियर अटक रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत सनसेट होने वाला है भाई। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी बाइक है। आपको अगर डेली काम करना है, मतलब सामान वामान भी लोड करके जाना है भाई, 80,000 में तो अब तो TVS XL आ रही है, अब क्या लेंगे। लेकिन हाँ 80,000 में भाई TVS स्पोर्ट भी आ रही है भाई, TVS का अपना एक वो है लॉजिक। लेकिन हाँ देखा जाए तो 80,000 में भाई बाइक बुरी नहीं है। और भाई ये अचानक से गाड़ियों का काफिला कहाँ से आने लगा, स्कॉर्पियो भाई, यही अपना यूपी दबंगा ही चलता है भाई यहाँ पे देखिए भगा रहा हूँ, अच्छी चल भी रही है, भाग भी रही है।
किक स्टार्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक बार जो किक से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, बाइक को कर देता हूँ बंद भाई। भाई ये किक से देखते हैं किक में स्टार्ट होती है नहीं। अरे सलाह भाई, ये बहुत आराम से स्टार्ट हो गई है। तो हॉर्न अच्छा है भाई, हॉर्न लाउड है। आई थिंक सीवी शाइन से और एसपी से तो ज़्यादा लाउड हॉर्न लग रहा है इसमें। तो देखा जाए तो भाई मज़ा आया इसको चला के। जो सस्पेंशन का सेटअप है वो भी एक कंफर्टेबल साइड पे है। तो अगर आप छोटे मोटे गड्ढों में जाते हैं, देखिए मैं आपको जा कर दिखाता हूँ भाई यहाँ से चल के, तो सस्पेंशन आराम से जो है अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए भाई, तो बस गाइस इस व्लॉग को करते हैं, इस रिव्यू को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।